आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से होकर उत्तर दक्षिण फोर लेन गलियारा गुजरता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। सड़क किनारे आप सर्विस लेन देख रहे होंगे, सर्विस लेन पर भरा पानी और यहाँ सर्विस लेन पर सूखता हुआ मक्का भी आपको दिखाई दे रहा होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये देखिए, सड़क किनारे सर्विस लेन को पूरी तरह घेर कर रखा हुआ है। यहाँ खाट भी रखी हुई है, खटिया भी आपको दिखाई दे रही होगी, खटिया पर बिस्तर भी दिखाई दे रहे होंगे। बंडोल शहर के प्रवेश का ये मार्ग यहाँ दिखाई दे रहा है। बंडोल यहाँ से अगर आप जाते हैं तो बंडोल शहर में प्रवेश करते हैं और यहीं आपको दिखाई दे रहा होगा किनारे पर मक्का सूखता हुआ। मक्के के साथ ही किनारे पर एक खटिया भी लगी हुई आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। सड़कों पर चलने के लिए वाहनों से टोल टैक्स वसूलती है NHAI। भारी भरकम टोल टैक्स लिया जाता है और सुविधाओं के नाम पर जब सुविधाओं की बारी आती है तब पूरी तरह उदासीन नजर आते हैं अधिकारी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट्स। NHAI की सड़कों पर सूख रहा है मक्का, सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। खटिया डली हुई है, खटिया के साथ यहाँ पर पत्थर रखकर सड़क भी बंद कर दी गई है। सड़क पर यहाँ PUC वाहन भी आपको दिखाई दे रहा होगा, सड़क किनारे अतिक्रमण भी दिखाई दे रहा होगा। जब आप 1033 NHAI हेल्पलाइन पर इसकी शिकायत करते हैं तो आपकी जानकारी के बिना ही शिकायत बंद कर दी जाती है। किस तरह सड़कों को सड़कों का संधारण किया जा रहा है ये आपको दिखा रहे हैं। हर माह करोड़ों का भुगतान NHAI के ठेकेदार को होता है। सिवनी से लखनादौन के बीच और सिवनी से मोहगांव के बीच 19.5 करोड़ रुपए हर 6 महीने में NHAI के द्वारा ठेकेदार को दिए जाते हैं। किस बात का पैसा दिया जा रहा है जब इस तरह से प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अगर आप NHAI हेल्पलाइन 1033 पर संपर्क करते हैं, शिकायत करते हैं, तो आपकी शिकायत कुछ ही दिनों में CM हेल्पलाइन, मध्य प्रदेश की CM हेल्पलाइन की तरह ही बंद कर दी जाती है। ये हम आपको सड़क का नज़ारा दिखा रहे हैं। सड़क पर आप देखिए, यहाँ पर हमने आपको दिखाया है, इस किनारे में मक्का सूखता हुआ आपको दिख रहा होगा और यहाँ से अगर सर्विस रोड का उपयोग करना होगा तो कैसे कर पाएंगे। अगर आप परियोजना निदेशक या किसी अन्य अधिकारी से इसकी शिकायत करते हैं तो उनका रटा रटाया जवाब मिलता है कि आपने हमारे संज्ञान में लाया है, हम इस पर कार्रवाई कराएंगे। सवाल यही उठता है कि ठेकेदार को पैसा दिया जा रहा है और ठेकेदार की हाईवे पेट्रोलिंग यहाँ 24 घंटे उपलब्ध रहना चाहिए। 24 घंटे उन्हें हाईवे पेट्रोलिंग के जरिए ठेकेदार को देखना चाहिए, पर अगर ठेकेदार के द्वारा ये नहीं देखा जा रहा है तो निश्चित तौर पर ठेकेदार को दिए जाने वाले भुगतान में कटौती की जानी चाहिए। ठेकेदार के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है उस काम को निश्चित तौर पर भुगतान उनका रोका जाना चाहिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। तो ये आप देख रहे हैं मक्का ठीक सामने आपके सूखता हुआ दिख रहा सर्विस लेन पर अगर आप पैदल भी चलना चाहें तो शायद पैदल यहाँ नहीं चल सकते हैं क्योंकि पूरी सड़क को घेर कर यहाँ, अभी हमने एक तरफ दिखाया आधी सड़क को घेर कर रखा हुआ था, यहाँ पूरी सड़क को घेर कर रखा हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के द्वारा किस तरह से अपनी सड़कों का रख रखाव किया जा रहा है, संधारण किया जा रहा है, किस तरह से उनके द्वारा आवागमन सुचारू बनाया जा रहा है, इसकी एक वानगी हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क पर से आप पैदल चलकर दिखाइए। अगर आप यहाँ से मक्के के ऊपर से वाहन ले जाते हैं तो आपका विवाद होना तय है। किनारे में आप देख सकते हैं रात के समय ढकने के लिए पॉलीथीन तिरपाल भी यहाँ पड़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके पहले लगातार ही समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा नागपुर रोड, जबलपुर रोड, हर तरफ दिखाया गया सड़क किनारे इस तरह से मक्का सूख रहा। सवाल यही है कि आखिर NHAI के द्वारा पुलिस की मदद लेकर इसे जब्त क्यों नहीं कराया जाता। आखिर नागरिकों को, यात्रियों को जो सुविधाएं देनी हैं, जिसके लिए जो नियम कायदे बने हैं, उन नियम कायदों के हिसाब से चलने में NHAI को आखिर समस्या क्या है, ये बात समझ से परे नजर आ रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट।
एनएचएआई का मामला हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको बता दें 17 नवंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए मतदान है। अपने मताधिकार का उपयोग कर जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दीजिए, बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी भेदभाव के आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। एक बार फिर हम आपको एनएचआई की सड़कों पर लेकर चल रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। यहाँ आप देख सकते हैं बंडोल के आसपास का ये नज़ारा दिखाई दे रहा होगा, और ये देखिए सिवनी, इस यहाँ से आपको कुछ दूरी पर सिवनी भी लिखा हुआ दिखाई दिया। सड़क पर लगातार चले जा रहे हैं और सड़क के किनारे किस तरीके की स्थिति है ये हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। चूंकि ये मामला केंद्र का है और बालाघाट संसदीय क्षेत्र का ये मामला है, इसलिए बालाघाट सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को इस मामले में संज्ञान लेने की आवश्यकता है। ये एक बार फिर हम आपको यहाँ लेकर आए हुए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं किनारे में आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये रास्ता यहाँ से कटता है और यहाँ से इस रास्ते से अगर आप जाते हैं तो इस रास्ते से बंडोल शहर के अंदर जाते हैं, और बंडोल शहर के अंदर जाने के साथ ही ये एक यहाँ पर सर्विस लेन दिखाई दे रही है, पुरानी सर्विस लेन कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही। सड़क मानो कुछ पुरानी, चूंकि इस पर आवागमन कम है इसलिए ये पुरानी सड़क यहाँ दिखाई दे रही है, और धूल के उड़ते गुब्बार भी दिख रहे होंगे, मक्का सूखता हुआ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके के नज़ारे आपको पूरे सिवनी जिले में सड़कों पर मिल जाएंगे। आवागमन इससे बाधित होता है, यातायात पुलिस हो, परिवहन विभाग हो या एनएचएआई भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इन सबको चाहिए कि ये इस पूरे मामले में संज्ञान लें। सड़कों किनारे अगर सड़क के किनारे इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं तो ये निश्चित तौर पर इन्हें उचित नहीं माना जा सकता है। सड़क किनारे अतिक्रमण भी धीरे धीरे पसरने लगा है। बालाघाट संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को चाहिए कि वे इस मामले में संज्ञान लें। चूंकि केंद्र का मामला है, केंद्र के अधीन भूतल परिवहन मंत्रालय और भूतल परिवहन मंत्रालय का एक अंग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, और सबसे मजे की बात के ये जो आपको नज़ारा दिखा रहे हैं भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के संसदीय क्षेत्र से महज 100-125 किलोमीटर दूर का ये नज़ारा। सड़क पर पूरी तरह मक्का आपको यहाँ सूखता हुआ दिखाई दे रहा होगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता शायद नहीं होती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया आपको तथ्यात्मक और सटीक खबरें दिखाता है, बिना कहीं उसमें कुछ मिलावट किए। जो है जैसा है वही आपके सामने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा रखने का प्रयास किया जाता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कैसी लग रही है। फिलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।